I'm your host, B. M. Manali, and you're listening to Meet with James. आज का वाक्य मारुख ने भेजा है रावल पिंडी से. मिस मारुख साहिबा फरमाती है कि इनका ताल्लुक जो है वो नर्सिंग के शोबे से है और रावल पिंडी से उन्होंने अपना नर्सिंग कोर्स कंप्लीट किया और ट्रेनिंग करने के बाद अर्से 2 माह के लिए इनको जो है वो रिलीफ टाइम दिया गया जो इन्होंने घर पर स्पेंड करना है. 2 माह की आप तातीलात समझ लीजिए, इसके बाद बकायदा उनकी ड्यूटी का आगाज होना था. बताती कि मेरा रिलैक्सिंग टाइम था और तमाम हजार जानते हैं कि नर्सिंग की ड्यूटी कितनी टफ टाइम है, तो इस अरसे में वो मुकीम थी अपने घर पर. बताती कि मैं अपने वालिद और वालदा की लाडली और अकलौती औलाद हूँ और इस नर्सिंग के शोबे को एज ए चॉइस मैंने खुद चुना. तो बताती कि हमारे घर के बिल्कुल साथ ही एक कर्नल साहब रहते थे जिनकी जो मिसेस थी बहुत हसमुख और बहुत ही खुश इखलाक तबीयत की मालिक थी. अक्सर उनका हमारे घर आना जाना था. उनकी औलाद कोई नहीं थी और अंकल की ड्यूटी अक्सर जो है वो मरी में भी अपॉइंटमेंट हो जाती थी, तो अंकल को फिर अकेले ही वहां जाना होता या कभी कभी वो आंटी को भी साथ ले जाते. तो आंटी की तबीयत कुछ नासाज थी, उनकी कमर में शदीद तरीन पेन था. तो कुछ आबो हवा और माहौल की तब्दीली का मशवरा दिया डॉक्टर्स ने. तो अंकल ने मेरे अबू से कहा कि आप बेटी को भेज दीजिए, इसने नर्सिंग का कोर्स भी कर रखा है तो ये अपना हाथ भी साफ कर लेगी. तो 3 से 4 दिन के लिए जो है वो मैं मरी जा रहा हूँ इस दफा, तो आप आंटी को भी डॉक्टर के मशवरे से ले जा रहा हूँ, तो बेटा आप भी साथ चलिए क्योंकि हमारी तो कोई औलाद नहीं है, तो आप मेरी बेटी की तरह है, तो अपनी आंटी की देखभाल कीजिएगा. वो कहती है कि मैं भी अपनी पढ़ाई में मसरूफ रही और कभी भी हमारा माहौल इस तरह का नहीं था तो कि बाहर घूमना फिरना. तो वैसे भी तातीलात थी तो सोचा कि मरी तो एक बेहतरीन जगह है सैर व तफरी के लिए, तो मेरी सैर व तफरी भी हो जाएगी और नर्सिंग के शोबे के हवाले से आंटी की खिदमत भी कर लूंगी और वैसे भी अखलाकी तौर पर
अगर उन्होंने रिक्वेस्ट की है तो वाली साहब ने कहा कि जाना चाहिए। तो मल्टी वालों की तरफ से बकायदा गाड़ी आई जिसमें बासहूलत तरीके से आंटी को पिछली सीट पर बेहतरीन लिटाया गया। वहां पर उनके साथ मेरी सीट थी, अंकल थे और एक मिलिट्री की तरफ से आर्मी के एक अफसर थे जो अंकल को लेने के लिए आए थे। तो दत्ती के मरी का सफर रवादवां था, खूबसूरत और हसीन मौसम था। तो अंकल ने आंटी के लिए जो है वो एक गेस्ट हाउस चूज किया रहने के लिए। ये बाय चॉइस था कि मैस में भी रह सकते थे, पर अंकल ने ये बेहतर समझा कि आंटी के लिए लेटर से एक गेस्ट हाउस लिए। तो ये गेस्ट हाउस जो है ये आबादी से जरा अलग थलग हटके था और नशेब की तरफ था। बहुत खूबसूरत और हसीन गेस्ट हाउस था और चारों तरफ जो है ये जंगलात से घिरा हुआ था। हो जाती है कि गेस्ट हाउस में गाड़ी वगैरह रुकी तो एक खातून मुलाजमा थी जिन्होंने हमें रिसीव किया। हमारा कमरा वगैरह दिखाया गया जो कि पहले से ही साफ सुथरा करके उन्होंने रेडी रखा हुआ था। तो अंकल ने हमें यहाँ ड्रॉप किया, आंटी को आराम से जो है वो बेड पर लेटाने के बाद उनकी तीमारदारी करने के बाद अंकल ने मुझे कहा कि आपने अपनी आंटी का बहुत ख्याल रखना है और ये जिस तरह आप यहाँ पे मेरी बेटी की तरह है और 3 से 4 दिन बाद जो है मेरी वापसी है तो उस वक्त तक जो है वो इंशाल्लाह आपकी आंटी को ठीक हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा जी अंकल इंशाल्लाह जरूर, मैं पूरी तरह से उनकी खिदमत करूंगी एक बेटी की तरह। वो कहते हैं कि आंटी के साथ मेरा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था तो आंटी मेरी हर बात मानती थी। तो नर्सिंग फील्ड के हवाले से जो एक मरीज की तीमारदारी होती है, मैं अपना काम जो है वो बड़े बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रही थी। ऐसा नर्स नहीं एक बेटी भी हो सकती कि आहिस्ता आहिस्ता आंटी में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई। तो जो वाकया सजदर कर देने वाला है और डर और खौफ से जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए, वो वाकया कुछ इस तरह पेश आया मिस मारुक के साथ कि वो बयान करती है कि फर्स्ट डे एट नाइट मेरी आंख खुली तो सर में हल्का पेन था, तो सोचा कि किचन में चलती हूँ और अपने लिए जो है वो एक कप चाय का बना लेती हूँ। और बताती हूँ कि इस इरादे से जो है वो किचन में पहुंची हूँ चाय बनाने के लिए तो देखा कि एक साया है जो किचन में खड़ा है, एक लंबा तिरंगा नौजवान है जिसने सर पर सुख रंग की पगड़ी बांध रखी है और जब वो अंधेरे से रोशनी की तरफ आया तो कहती है मैंने लाइट ऑन की तो देखा जो बहुत हसीनो जमीन नौजवान है और वो खड़ा हुआ चाय बना रहा है। तो मैंने उनको सलाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं, इससे पहले तो मैंने आपको एंट्रेंस पे नहीं देखा क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है। तो उस नौजवान ने कहा कि मैं नाइट टाइम का बावर्ची हूँ, रात का खाना मैं ही बनाता हूँ और साहब ने मुझे अपॉइंट किया है। तो मैं चाय बना रहा हूँ, आप चाय पियेंगे? तो मैंने कहा कि जी ठीक है, आप एक कप मेरे लिए भी बना दीजिए। तो कहती हूँ कि एक कप चाय मेरे लिए भी उन्होंने बनाई उस नौजवान ने और मैं वो चाय लेकर अपने रूम में आ गई। चाय पी
तो वो बताती है कि किस कदर लजीज, किस कदर जायकेदार चाय आज तक मैंने नहीं पी। वो बताती है कि मैंने आंटी से सुबह इस बात का जिक्र किया कि नाइट टाइम में जो है वो आप, तो मैंने ये सोचा कि शायद रात के टाइम अलग से उन्होंने कोई बावर्ची रखा है, क्योंकि तो बावर्ची का काम तो किचन में होता है और मरी के घर कुछ ये गेस्ट हाउस कुछ इस तरह बना हुआ है कि ये बिल्कुल एक लेवल पर नहीं है, सीढ़ियां उतर कर नीचे कमरा और फिर उससे नीचे किचन, कुछ इस तरह का ये बना हुआ कि ऊपर के रूम से सीढ़ियां उतरकर आप नीचे डाइनिंग एरिया में जाते हैं और वहां से सीढ़ियां उतरकर किचन में जाते हैं, जरा हटकर बिल्कुल कोने में बना हुआ। वो कहती है खैर आंटी ने मेरी बात को कुछ इतना सीरियस नहीं लिया, एक नॉर्मल रूटीन की तरह उन्होंने यही कहा कि नहीं हमने तो कोई नहीं रखा। मैं सोचा कि आंटी की तबीयत वगैरह खराब है तो ये अंकल ने रखा होगा, तो आंटी तो बीमार है, उनको तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। वो कहती है नेक्स्ट दिन जो है वो मैं गई तो फिर मेरा रात को आंख खुली तो मैं चाय पीने की बहुत शौकीन हूँ तो सोचा चलो एक कप चाय बनाती हूँ। तो रात को फिर इसी इरादे से गई कि चाय बनाऊंगी, तो देखा कि वही बावर्ची जो है वो खड़ा हुआ है, सर पर जो है वो सुर्ख रंग की पगड़ी बांधे, कुछ शक्ल लंबा तिरंगा नौजवान, तो वो पहले से ही चाय बना रहा है। मेरी तरफ देखकर जो है वो एक दिन पर मुस्कुराहट से उसने कहा कि आप भी चाय पियेंगे, तो मैंने कहा हाँ बना दो, पर एक बात तो बताओ कि तुम कब से इधर जो है वो बावर्ची की ड्यूटी कर रहे हो, क्योंकि मैंने आंटी से पूछा तो वो कहती है कि मुझे तो नहीं पता। तो फिर तुम कौन हो, तुम इंसान हो कि जिन हो? तो कहती है कि मेरी इस बात पर जो है वो धीरे से मुस्कुराया और उसने कहा कि बस मैं रात के टाइम यहाँ ड्यूटी करता हूँ, सुबह चला जाता हूँ, तो मुझे जो है वो इधर आपके अंकल ने रखा है ड्यूटी पर। तो बताती है कि इसके बाद मैंने इतनी तवज्जा नहीं दी और ना अंकल से पूछा और यही सोचा कि उन्होंने गेस्ट हाउस के लिए आंटी के लिए पतो स्पेशल इसको रखा होगा। हो जाती है कि तीसरे दिन आंटी की सेहत कुछ बेहतर होना शुरू हुई और चौथे दिन तक जो है वो आंटी ने बहुत बेटर फील किया और अंकल से ख्वाहिश आई थी कि वो वापस रावलपिंडी जाना चाहती और मुझको भी डेरे दुआएं थी और अंकल भी बहुत खुश हुए कि आंटी जो है वो अब खुद से उठकर चल फिर सकती। और दिन के तीसरा दिन ड्रॉप हुआ, जो था लास्ट डे जो था वो शदीद तरीन बारिश थी और सुबह ही हमें रावलपिंडी के लिए निकलना था। और दिन के रात फिर जो है वो मैं किचन में गई तो देखा कि वो नौजवान पहले से ही चाय के दो कप तैयार कर किचन में चेयर्स थी वहां पर बैठा है। उसने कहा कि मुझे पता था कि आप आएंगे तो मैंने आप चाय पहले से ही तैयार कर दी और कुछ शिकवा भी किया कि आप कल नहीं आए, तो मैंने कहा कि कुछ मसरूफियत थी और काम करने की बिना पर जल्दी ही मेरी आंख लग। बताती है मैंने चाय पी और उसकी चाय की तारीफ की तो बहुत खुश हुआ और चाय का कप खत्म कर मैं वापसी के लिए मुड़ी तो पीछे पलट कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, तो सोचा कि शायद वो चला गया हो। सुबह तो जब वापसी रावलपिंडी के लिए निकले गाड़ी में बैठे तो रास्ते में गपशप लगाते इस बात का जिक्र हुआ तो अंकल ने पूछा कि आपकी आंटी ने जिक्र किया है कि कोई बावर्ची है और जिसके हाथ की चाय इस कदर लजीज है कि आप तो उसकी बहुत बड़ी फैन बन चुकी हैं, तो मैंने कहा तो क्या आपने कोई मारूफ। कहती है कि मैंने अंकल से पूछा कि आपने नाइट के लिए किसी बावर्ची को अपॉइंट किया,
और क्या नीचे किचन में कोई एग्जिट डोर भी है? तो अंकल ने मुझे बताया था कोई भी बवर्ती उन्होंने अपॉइंट नहीं किया, और नीचे जो किचन एरिया है वहां पर एग्जिट डोर ही नहीं है, वहां पर दरवाजा ही नहीं है कि वहां से कोई निकल सके। जिस शख्स ने भी आना है वो वापस ऊपर की तरफ आएगा और फिर मेन डोर से एग्जिट करेगा। नीचे जो है वो हवा के लिए रोशनदान जरूर बने हैं। तो ये तमाम चीज जो है वो लेट नाइट जागने की वजह से आपका हेलुसिनेशन है या आपको शदीद तरीन वहम हुआ है। और कहती है बस अंकल ने ये तमाम बातें की हैं तो मैं एकदम बिल्कुल शशदर रह गई और डर को मेरी रग रग में सराहियत कर गया और वो कुछ दहशत से मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैंने खुद उस नौजवान के साथ बैठकर चाय पी थी उस किचन एरिया में। और ऊपर की तरफ आने से पहले जब मैंने पलट कर देखा था तो नौजवान वहां पर मौजूद नहीं था। मैंने यही ख्याल किया था कि किचन में कोई एग्जिट डोर है जिससे वो दूसरी तरफ निकल गया होगा, लेकिन जब अंकल ने ये बताया कि वहां पर कोई एग्जिट डोर ही नहीं है तो फिर डर और खौफ तो मुझ पर तारी होना था। और ये तमाम चीजें मेरे जहन में गूंज रही थी जब मैंने उससे सवाल किया था कि कहीं आप जिन तो नहीं? वो कौन था जिसके हाथ की चाय मैंने पी? वो सुर्ख पगड़ी वाला, वो खूबसूरत नौजवान।